मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चौहान ने नरसिंहपुर प्रवास के दौरान अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान खुद ही अवैध खनन करवा रहे हैं और इस दौरान पूर्व सीएम ने अवैध खनन के खिलाफ प्रभारी मंत्री कमल पटेल के सख्त रवैये पर कहा कि कमल पटेल की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दरअसल कमल पटेल ने ट्वीट किया था कि जो भी अवैध खनन में शामिल है उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। कमल पटेल जी का बड़ा सख्त निर्देश हुआ है, मैंने सभी देखा। उन्होंने तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक लगाने की बात कर दी है। हालांकि मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अगर अवैध रेत खनन कहीं हो रहा है तो कोई राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई वो नहीं है। और ये एक आदत बन गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री की, हर किसी पर रासुका लगा देते हैं। मुर्गा खेड़ा की जानकारी मुझे कलेक्टर महोदय ने दिया है, अभी वीडियो से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ। माननीय इंस्पेक्टर को मैंने भेजा है तुरंत, तभी मैंने ठेकेदार से भी चर्चा करी है कि क्या ऐसा सही है क्या। ठेकेदार ने तो मना कर दिया, फिर भी हम अपने व्यक्ति भेज के इंस्पेक्टर से उसकी जांच करा रहे हैं।